नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। तो दोस्तों क्वेश्चन तो वैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपसे, कहेगा कि कोई आपको एक नंबर दे देगा और फिर कहेगा कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि क्यू बन जाए या फिर स्क्वायर बन जाए, या फिर ये कहेगा कि कितने का डिवाइड किया जाए ये क्यू बन जाए या स्क्वायर बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर दोस्तों रेलवे हुआ और आपके जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को स्किप मत करना। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वर्ग। वर्ग वर्ग जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर क्या होता है आपको पता है कि मैंने दोस्तों आपसे कहा कि आपके पास एक नंबर है 8, ठीक है, इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका इस तरीके से स्क्वायर कर दूंगा। इसका मतलब हो गया 8 का मल्टीपल 2 टाइम हो रहा है, तो कितना आ रहा है 64। ठीक है, आपसे मैंने कहा, ये तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपसे मैंने कहा कि आपको घन करना है। घन मतलब दोस्तों आपको क्यू करना है, इसको इंग्लिश में क्यू बोलते हैं। किसका करना है? 8 का ही ले लेते हैं। तो 8 का आप क्यों कैसे करोगे दोस्तों? 3 पावर लगाओगे, 8 × 8 × 8 कितना हो जाएगा, 512 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई होता है, और जब हम क्यू करते हैं तो एक ही नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई होता है। मतलब स्क्वायर में 2 का पेयर बनता है और क्यू में 3 का पेयर बनता है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ से तो बात ये क्लियर हो जाती है। तो आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है कि स्क्वायर की बात होगी तो 2 का पेयर, और क्यू की बात होगी तो दोस्तों 3 का पेयर। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझना था। अब चलेंगे दोस्तों हम सीधे क्वेश्चन की तरफ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पढ़ेंगे क्वेश्चन आपके लिए, और जिसमें आपको प्रॉपर तरीके समझाया जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, कोई फालतू की ट्रिक ऐसी नहीं बताऊंगा जिससे आपका आंसर गलत आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में दिखाई देने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है दोस्तों आपका पहला कि 5808 मतलब 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो पहला जो नंबर दिया है आपको दोस्तों वो कितना दिया दोस्तों आपको, 5808 आपको क्या दिया दोस्तों, नंबर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पता था दोस्तों सबसे पहले कि आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर बनाना है। क्या करना है दोस्तों, इसका स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बनाना है दोस्तों, स्क्वायर। तो आपको केवल एक चीज आनी चाहिए दोस्तों, फैक्टर करना। ठीक है, और दोस्तों फैक्टर कैसे करते हैं आपको पता है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम 2 से। अगर लास्ट में दोस्तों आपका 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो इसका मतलब 2 का डिवाइड उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे दोस्तों, 2 से फैक्टर करना। 2 से 5 में देंगे तो 2 टाइम जाएगा, 1 कैरी होगा, 9 टाइम जाएगा, 0 का 0 4 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर आपका 4 आ रहा है तो इससे कन्फर्म हो गया 2 का चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड मतलब डिवाइड, एक एक लाइन में डिवाइड देने को फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है। मैंने आपको बता दिया 2 का कब जाएगा, जब 0 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा लास्ट में, तो 2 का चला जाएगा। ठीक है, 2 से 7, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12। ये दोस्तों आपको करना आते होंगे, 2 से करेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। अब दोस्तों आपको पता है 3 से होगा, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3। ठीक, अब देखिए दोस्तों 121 आ गया, तो ये केवल ऐसा नंबर है जो केवल 11 से डिविजिबल होगा, तो हम 11 से करेंगे, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11 भाई, 11 × 11 एक बचा, 11 × 11 फिर 11 से करेंगे, 11 × 11। अब दोस्तों थोड़ा सा पहले मैं यहाँ वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आगे मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपका एक सेकंड लेना चाहूँगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको क्या करना था, स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था स्क्वायर में क्या करना, 2-2 का पेयर बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया था कि किस नंबर से आपसे मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ये दिया था क्वेश्चन में।
तो आपको स्क्वायर बनाना है, तो दो दो के पेयर बनाइए। इनका दो पेयर का बनना है एक, इनका भी एक दो पेयर बनना है, और इनका भी दो पेयर बनना है। और बन किसका नहीं रहा है? थ्री का। जिसका पेयर नहीं बनेगा वही आपका आंसर होगा। आए दोस्तों बात समझ में? तो आंसर कितना होगा दोस्तों आपका? थ्री। बहुत ही सिंपल है, केवल दोस्तों आपको ओनली फैक्टर करना आना चाहिए, जो कि आपको बचपन में 6, 7, 3rd, 4th, 5th में सिखाए जाते वो आना चाहिए। केवल आपको इतना समझना है कि जिसका पेयर नहीं बनेगा वही क्या होगा दोस्तों आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्यू का क्वेश्चन देखेंगे और प्रॉपर तरीके से इसके जितने भी टाइप होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड, वे कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, कितना दोस्तों? 980। स्क्वायर बनाने की बात कह रहा है, किसकी? स्क्वायर की। आपको पता है दो दो के पेयर बनेंगे, सबसे पहला काम फैक्टर करना। ठीक है, तो देखिए फैक्टर कीजिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 0, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब दोस्तों आपको पता है ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 4 से, केवल 5 से। 5 4 जा 20 और 5 9 जा 49। ठीक है, यहाँ से जाएगा तो दोस्तों 7 से, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखिए दोस्तों स्क्वायर की कह रहा है, तो पेयर बनाने हैं। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना 5 का। ठीक है, और जिसका पेयर नहीं बना वो आपका होगा आंसर। बस सिंपल सा पैटर्न है, आपको कुछ नहीं करना। आए दोस्तों बात समझ लो। ठीक है, देखिए इसका एक ही मतलब क्या होता है कि पेयर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? 5 की, तो 5 आंसर हो गया, तो ऐसे समझ लीजिए। लेकिन जिसका पेयर नहीं बना है वही आंसर होगा, ये भी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, बात को समझने के 2 तरीके हैं। पेयर नहीं बनना, कितने 5 की जरूरत है? 1 की। स्क्वायर में 1 ही की जरूरत पड़ेगी, 2 होते तो ऑलरेडी पेयर होता, 3 होते तो 2 का पेयर हो जाता, 1 होता फिर भी 1 की जरूरत पड़ती, तो पेयर जो बच रहा है वो क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 2 क्वेश्चन तो हमारे स्क्वायर वाले हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्यू की। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ जो कि आपको क्लियरली हो जाएगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है आपका, 1323 को सॉरी किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, पूर्ण घन बन जाए, 23। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है 13 और 23। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या बात कर रहा है, क्यू बनाने की बात कर रहा है, मतलब 3 3 के पेयर आपको बनाने, और किसकी बात कह रहा है दोस्तों कि किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा करने की बात कर रहा है। ठीक है, आपको पता है 3 आ रहा है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे, 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12 3 1 जा 12, तो 3 से जा रहा है तो कर देंगे, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 3 हिंदी में ले लीजिए, और 3 4 12, 3 7 21, फिर 3 से करेंगे, 3 4 12 और 3 9 27। ठीक है, यहाँ 7 से करेंगे, 7 7 49, ठीक है, और 7 1 7। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें कितने का पेयर बनाना था, पेयर बनाना था 3 का। ठीक है, पेयर किसका बनाना था दोस्तों? 3 का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इन 3 का पेयर बन गया। ठीक है, इसका पेयर नहीं बना। अब मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, आप ये मत सोचना कि सर इसका आंसर 7 होगा, मतलब 7 7 2 7 है, 7 2 7 होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि 3 का पेयर बनाना है, और पेयर बनाने के लिए यहाँ पर कितने 7 दिए हुए हैं? 2। कितने 7 की जरूरत है 3 करने के लिए? 1 7 की। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 7 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 1 ही 7 आता या 1 ही 8 आता,
तो आपको जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, और उसमें केवल एक ही एट आता, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ओनली एक एट रह जाता, ठीक है। तो एट का मतलब तो सिंपल सिंपल होता है, टू 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 थ्री हो गए भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके समझूं तो इसमें एक बेसिक सी चीज़ ध्यान रखिएगा कि फैक्टर करते समय आपको वन लाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सपोज कीजिए एक सेवन होता, ठीक है, तो मैं तीन पेयर करने के लिए कितने सेवन की जरूरत, दो की, तब आपका आंसर क्या होता है, सेवन इंटू सेवन, दो सेवन की जरूरत, मतलब आपका आंसर होता है 49। अब 49 होगा, अब 49 नहीं होगा, अब केवल सेवन होगा, ठीक है, बात क्लियर होती है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए आगे समझते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए, भागफल, भागफल पूर्ण वर्ग, भागफल क्या होता है पहले समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ 65 है, ठीक है, और मैंने 13 से यहाँ डिवाइड दिया तो कितना, 13×5 65, ठीक है, बचा 0, ये होता है दोस्तों भागफल। अब दोस्तों आप ऐसे तो सॉल्व नहीं करोगे 3600 को, तो मैंने आपको पैटर्न बताया वही करना पड़ेगा, ठीक। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए 3600 फैक्टर करेंगे भाई, 2 से 1 8 0 0, 2 से 9 0 0, 2 से 2 4 जाए 2 5 जा 10 0, ये दोस्तों आपके आप पे आता है इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10, और 2 का नहीं जाएगा 3 का, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से जाएगा 3 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है, 5 से 5 और 5 से 1, ठीक है। अब डिवाइड करने की बात कर रहा था, फैक्टर हमने कर लिया, लेकिन यहाँ हम इसको क्या चेक करें, देखिए घन की बात कर रहा था, अब भी किसकी बात कर रहा है, क्यों की, और मैंने दोस्तों आपको बता दिया था जब क्यों की बात कर रहा है तो आपको 3 का पेयर बनाना है, कितने का, 3 का पेयर बनाना है, तो यहाँ देखिए इसका 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है भाई, इसका 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ देखें तो ना तो इसका पेयर बन रहा, ना इसका पेयर बन रहा, ना इसका पेयर बन रहा, ना इसका पेयर और ना इसका पेयर। लेकिन दोस्तों अगर हम 3 3 का पेयर बनाते तो मैं इसमें 1 5 की ज़रूरत होती, इसमें 1 3 की ज़रूरत होती, इसमें 2 2 की ज़रूरत होती, लेकिन कब, जब गुणा करने की कहता, लेकिन आपसे पूछा है कि कितने का भाग दिया जाए, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ जितने भी नंबर बचे हैं जिनका पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक तो 2 का पेयर नहीं बन रहा, 1 3 बच रहा है, 1 और 3 बच रहा है, ठीक है, 1 5 हो रहा है, 1 और 5 हो रहा है, ठीक है। तब दोस्तों आपको क्या करना है, केवल इनका मल्टीप्लाई कर देना है, 25 25 3 75 और 75 3 हो जाएंगे आपके 225 और 225 हो जाएगा मल्टीप्लाई 450, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ये बेसिक्स आप याद रखिएगा, जब भागफल की बात करता है तो आपके जो यहाँ नंबर बचे होंगे उनका मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, और जब आपसे गुणा करने की बात करता है तो आपको दोस्तों उस समय क्या करना है, पेयर बनाने के लिए जितनी की ज़रूरत है उतना आपको आंसर देना है। तो दोनों बातें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास थी जो मैंने आपके लिए बनाई थी, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से समझ में भी आया होगा। देखिए दोस्तों मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, जितना मैं अच्छा समझा सकता था उतना मैंने अच्छा समझा दिया है। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक करोगे या नहीं करोगे, सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।